मुझे एक बात बताओ, जो आप इतने दिनों से पार्क रोड का देख रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा? थोड़ा उच्ची बोलो। नहीं, मैं मतलब मैंने पहली बारी पता नहीं वैसे ही खुल गया था मेरे से। मैंने ये देखा भी बंदा, मतलब मैं और भी उसके कंपैरिजन में देखती हूँ, पर ये इस बंदे का ये है, पता नहीं भगवान का ही बंदा है ये। तो जिसके पास पहुंचता है ना, मुझे लगता नहीं है अभी वो पागल है, भी ये पागल को लेने गया। मतलब एकदम से बंदा एकदम, मतलब 99% लगा लो, चाहे 90% लगा लो, सही हो जाता है। मैं वैसे तो वैसे आपको बता दूँ, पार्क रोड करके चैनल भी है, और वो बाइक का नाम है पार्क रोड। तो वो क्या करते हैं, जैसे जो मेंटली डिसेबल्ड होते हैं या जिनको कोई सदमा लग जाता है, जैसे अभी एक वीडियो आई थी, इसकी माँ मर गई थी और काफ़ी साल से सदमे में था, तो उनको लेके आते हैं, ठीक करते हैं अपने आश्रम में। जिनको वापिस छोड़ सकते हैं, जिनका घर है छोड़ने का, उनको तो छोड़ देते हैं। जैसे जिनका नहीं है घर, तो उनको वो अपने आश्रम में रखते हैं। जैसे कई होते हैं जो जैसे थोड़े से मेंटली डिसेबल्ड को, जो बोल बोल नहीं सकते, ठीक है, जिनको ज़्यादा समझ नहीं है, उनको पकड़ के जो ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, सिर्फ रोटी देके, तो उनको भी छुड़वाते हैं वहाँ पर। तो आपने इसके रिगार्डिंग भी वीडियो देखी कि ऐसे छुड़वा रहे हैं वो? हाँ, बहुत बंदों को छुड़वाया है। एक मैंने अभी लेटेस्ट देखी थी, गोगी गीतकार था हाँ कोई, जी, है ना भाई, उसने जो उस मेज पे बैठ के उसके सामने, मुझे तो ऐसा लगा भी ये पागल ही नहीं है एक इतना। गीतकार है, गोगी गीतकार, ठीक है, पंजाब का। तो उसको उन्होंने छुड़वाया था, छुड़वाया नहीं था, मतलब वो अपने घर में ही बंद था, बहुत अच्छा था, बस आस पड़ोस वाले बहुत तारीफ कर रहे थे, बस वो सदमे में चला गया था, क्योंकि उसकी माँ पूरी हो गई थी। तो वो गीत भी सुनाया उसने अपने अच्छे, काफ़ी अच्छा। पर मेरे हिसाब से तो ये जो पार्क रोड है, ये भगवान का ही बंदा है। इससे ऊपर वाला, जैसे पुराने हम पुराणों में सुनते थे कि हाँ, ये भगवान का अवतार आया है, तो ये दुनिया का भला करने के लिए आया है, तो इसका भी ये अवतार हो गया भाई का, जो सिर्फ दुनिया का भला कर रहा है, और इसका कोई स्वार्थ नहीं। क्या पैसे मिलते होंगे इसको? बस जैसे आपके घर के पास भी है कोई, तो ये आप इनकी वीडियो बना के इनको भेज दो, तो ये वहाँ से उनको ले आते हैं। जैसे कई कई होते हैं, मैं नाम, मैं एक कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, पर वो ज़्यादातर वही करते हैं कि वो ऐसे बेजुबान बंदों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से ले आते हैं, फिर उनसे घर पे काम कराते हैं, फिर रोटी देते हैं, ये उनको भी छुड़वाते हैं, फिर उनको हक भी दिलवाते हैं, और अपने अपने घर भी भिजवाते हैं अगर पता लग जाए तो, वरना अपने आश्रम में रखते हैं। तो काफी अच्छा है, आप उनका चैनल भी देख सकते हैं। हाँ भाई, बहुत अच्छा है ये। बिल्कुल मतलब ये है, मतलब मेरे हिसाब से इनके सामने खड़े होने से ही बंदा आता हाँ, तो बंदा ठीक इनके हो बात जाता करने है। का तरीका ही ऐसा है कि हाँ बंदा ठीक हो जाता है। तो जरूर आप इनका चैनल देखना, ये एक तरह से भगवान की बन गए। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, अब उठ के नहा धोके तो उसको मैं रेडी, और अब जा रहा हूँ। वो जो SSD कार्ड जो मैंने ठीक करने को दिया था, 3 दिन बाद आने को बोला था उन्होंने, पता नहीं 5-6 दिन हो गए, मैं गया ही नहीं लेने को। इतना केयरलेस कैसे हो सकता है इंसान? या तो केयरलेस हूँ मैं, या तो मेरे पास पैसा बहुत है, तो पता नहीं। तो अब चलते हैं, वो लेके आते हैं पहले। सो गाइज, अब मैं निकल तो पड़ा हूँ घर से, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मैं जाऊँगा ओला बाइक पे खतरों के खिलाड़ी बन के। तो चलते हैं, और आते हुए कुछ खाने को भी लेके आएंगे अपने लिए और मम्मा के लिए। जब बाइक पे था, आ रहा था, तब तो छाई हो गई थी एकदम, बारिश वाला मौसम, अब उतना फिर धूप हो गई है। चलो कोई बात नहीं, लेते हैं। बस तो चढ़ना 30 की मंजिल पे उसको लेने के लिए। चलो, फिर भी सांस ही चढ़ जाता है वहाँ पर जाके। तो 5 मिनट पहले सांस लेता हूँ, फिर उनके आगे बात रखता हूँ अपनी कि आया क्यों। तो चलो चलते हैं, लेते हैं। वो ये चलना चाहे लग रहा है ना, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई है, सांस ही पूरी जगह वहाँ तक जाते हैं, तो स्टेमिना ही नहीं बचा। चलो फिर भी लेते हैं और उतरते हैं फटाफट नीचे। मैं ना सिस्टम के हिसाब से ढल चुका हूँ। देखो, अगर आने को मैं 3 दिन बाद बोला था उन्होंने, मैं 3 दिन बाद आ जाता तब भी निराश होता, और 5 दिन बाद आया हूँ। अभी वगैरह 2-3 दिन और बाद में आएगी, अभी आई नहीं है, दिल्ली से आनी है, आई नहीं है। तो 3 दिन में तो मैं खुद ही जाके दिल्ली ले आता, साथ में घूम भी आता। चलो खैर छोड़ो, पर मैं सिस्टम के हिसाब से ढल चुका हूँ कि सारे काम लेट ही होते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा लेट ही चलता हूँ। पर घर वाले नहीं समझते ना, उनका प्रोसेसर थोड़ा लेट पुराना हो गया। अब अपुन यहाँ से लेके जाएगा इडली,
ना और मम्मी नाश्ते में खाएंगे इडली और पापा देख के चढ़ेंगे क्योंकि पापा बेचारे ऑफिस में। यहाँ पर कार्तिक वाला है, बहुत फेमस है उसकी इडली वगैरह, बहुत इडली डोसा वहाँ फेमस है। पर चलो लेते हैं और चलते हैं घर। पर जो मैंने आंटी का डोसा खाया था ना वहाँ पर दिल्ली में, वो ज़्यादा बेस्ट था, उसके मुकाबले तो बेकार है, खस्सी है। चलो जो यहाँ पर बेस्ट मिल रहा है वही खाते हैं, लेते हैं इडली और चलते हैं घर। सांभर एकदम गर्म पड़ा है और इन्होंने एक कागज वाले फार्म में दे दिया, पकड़ा भी नहीं जा रहा, और बस आ गई ओला बाइक और अब चलते हैं घर। सो इडली तो आ गई प्लेट में, मैं भी खा रहा हूँ, मम्मी भी खा रहे हैं। पर ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जो बेइज्जती करा रहे थे कोलियाँ एक जैसी क्यों नहीं है हमारे घर में। गिलास भी कोई मेहमान है, कोई बड़ा गिलास छोटा, उससे छोटा, अलग रंग का, काला पीला नीला, ऐसे गिलास क्यों है? अरे सांभर ज़्यादा चाहिए तो इसलिए बाल्टी में डाला है। तो उसमें डाल दो, बाल्टी में डाल दूंगी। एक साल की कटोरी लाओ, लोग में देखने वाले लोग भी हंसते होंगे भाई। मेरा बाप चीजें लाला के घर में भर देता है, उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। बेइज्जती होती है मेरे पापा की, रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है यार। हाँ राजा साहब की रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है। सो रेस्ट वगैरह तो काफ़ी होगी और अब चलते हैं, थोड़ी सी वॉक करके आते हैं और आप बाहर जाके आपको बताता हूँ। बेचारे हनी के साथ आज बहुत बुरी हुई तो वो आपको मैं बाहर हनी के सामने ही बताऊँगा। अब मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में कि बेचारे के साथ क्या बुरा हुआ। पहले तो इसको एक स्कूल वाले एडमिशन नहीं दे रहे थे, ठीक है। अभी जो अपने पुराने स्कूल में गया एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पर एडमिशन इसने कराई नहीं, ना फीस भरी ना फॉर्म भरा, बस इसका नाम ऑनलाइन चढ़ा दिया उन्होंने, ठीक है। अब जो फिर दूसरे स्कूल में गया एडमिशन कराने के लिए, वहाँ पर फीस भी भराया, सब कुछ कराया, पर इन्होंने नाम ऑनलाइन चढ़ाया हुआ है तो इसके एडमिशन ही नहीं करी, फीस भी ले ली। अब मैडम कह रही पहले नाम कटवा तब तेरी एडमिशन करेंगे। अब ये यहाँ से भी गया, अब ये वहाँ से भी गया, फंस गया बेचारा, माड़ा हो गया। तो क्या कहना चाहेगा इसको टिप्पणी? भाई मैं बहुत दुखी हूँ, पहले शांति रखो। हाँ शांति रखो। चलो इस पे तर्स खा के मेरी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, रेस्ट इन पीस हनी, RIP हनी लिख दो, कमेंट सेक्शन भर दो RIP हनी लिख के। हो गया ना तेरे साथ ये, रो रहे तुम, रो रहे? अभी तक तो कुछ और कह रहा था टीचरों के बारे में। यार मैं नहीं कहता कोई, वो डबिंग करी है मैंने। बताओ और क्या, बताओ ये क्या चल रहा है? ये मेरे पे कोई ग्रह चल रहा है बिना एडमिशन ना मिलने का। यार मैडम खार खा रही हैं, और कोई नहीं तो नहीं एडमिशन दे। मैडम भी खार इसलिए खा रही है ना, तो पहले तेरे काम होंगे कुछ ऐसे। मैडम को पर्सनल रंजिश थोड़ी देर से कोई पर्सनल है, मैडम तो एक ज्ञान का दरिया है। हाँ। हाँ। तो मैं आपको बताता हूँ, कल मतलब यमराज इतने पास से आगे चुम्मी लेके वापस चला गया भाई, मेरी माँ बाप की दुआओं ने बचा लिया। कल क्या सीन हुआ, मतलब मालवा से सड़क है तो ना उस साइड से एक वो आ रही थी गाड़ी, ऑल्टो टैक्सी नंबर, ठीक है। वो ना बहुत बहुत तेज आ रही थी और मैं सड़क पार कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है वो आ रही है, ठीक है। मैं रोड क्रॉस कर रहा था, मतलब इतना इंसान को आइडिया होता है कि हाँ मैं कर लूँगा, इतनी स्पीड आ रही है, हर किसी बच्चे को भी होता है। तो जब मैं थोड़ा सा आगे निकल गया ना, तो आगे निकलने के बाद जैसे मैंने देखा उसने ना मेरी तरफ को स्टीयरिंग घुमा लिया, फिर जब मैं थोड़ा पीछे को हुआ उसने फिर मेरी तरफ को स्टीयरिंग घुमा लिया। मेरा दिमाग डेड हो गया उस टाइम कि हाँ क्या करना है, आगे जाऊँ पीछे को जाऊँ, एक तो मतलब कुछ उस टाइम कुछ नहीं सोचा। फिर ना मैं बिल्कुल मैंने हिलना डुलना बंद कर दिया, मैं कहा अब तो उसके हाथ में क्या करना है। जब गाड़ी बिल्कुल नज़दीक यहाँ पहुँच गई ना, तो मैंने दो स्टेप ऐसे बैठ लिए और तो जाकर पहुँची जान लूटी। मैंने एक टाइम बोला हो गया था कि हाँ ख़त्म है भाई, तो नहीं रील नहीं चलती जिसमें एकदम से एक्सीडेंट होने वाला होता है, गाड़ी बोलने लग जाती है एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, वही वाला गाना सुन गया मुझे भाई। यमराज दिखा नज़दीक से, ऐसा कर क्या रहे थे आप मुझे ये बताओ पहले? भाई बस घूम रहा था, सैर कर रहा था, पर जो नज़दीक से यमराज दिखा ना, मतलब कानों को हाल लग गया भाई। मतलब बिल्कुल भी 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब वो बंदा इंटेंशनली कर रहा था, ऑल्टो वाला टैक्सी वाला, कि अगर मैं इधर को जो बिल्कुल इधर को काट ली गाड़ी, तो मैं आगे को चल के फिर उधर को काट ली, फिर मैं स्टिल हो गया कि हाँ भाई अब नहीं कुछ बचने के चांस, और इतना तेज था ना कि उठा के वो फेंकता कहीं और। पार वही है ना, जा खुरा के साइयाँ मार सके ना कोई, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो चलो बच गई, पर वो आज रात के टाइम ना थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी करके चलाते हैं ना,
तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ ही है, और थोड़ा जो इंसान को चकन्ना होके चलना चाहिए। ये जो मैंने इंसिडेंस सुनाया ना, बिल्कुल इधर की, बिल्कुल इसी जगह का, इस स्पॉट का इंसिडेंस था। कल रात को तो हो गया था, नेटिव टॉक व्लॉग से लेट नेटिव टॉक व्लॉग, और नीचे मेरी डेट लिखी जाती भाई, हो गया था कल तो काम मेरा, पर चलो बच गया। पहली बार उस स्कूल में आया हूँ जिसके बाहर मैं खड़के अक्सर ना इस दीवार पे खड़के मैं बाहर ली साइड खड़के फ़ोन पे बात करता हूँ। तेरी कौन सी क्लास थी? मैं पहली से यहाँ से सबसे पहले मेरी ये क्लास थी। अच्छा, इसी स्कूल में पढ़ा है? सबसे पहले ये क्लास थी, फिर उसके बाद हम इधर आए थे। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम इधर आए ये वाली क्लास पे। अच्छा, फिर उसके बाद हम इधर आए थे, ये हमारा वो था सबसे पहले। अच्छा, फिर चौथी में ये था, पंद्रहवीं में फिर इधर आए थे। ये सेक्शन तो बहुत बाद में बनाया है। हाँ, ये पहले था, ऊपर वाला बाद में बना। अच्छा, जोन से ऊपर बना। फिर तेरी टेंथ ऊपर थी? फिर छठवीं हमने। हर किसी की यादें होती है, चाहे स्कूल छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना। मजे मजे है, हमारे टाइम, हमारे अपने टाइम के मजे थे, तुम्हारे अपने टाइप के मजे हैं। पर ये जितना भी इधर बना है ना, सारा पीछे टंकी टंकी सारे हमारे होते बना। पहले यहाँ पर एक पीएन था, लंगड़ा था वो, थ्री टायर चार टायर वाला स्कूटर था उसके पास। अभी भी है पीएन? हैं? हाँ, पीएन नहीं सर था वो। सर था? हाँ अभी भी है सर, वो उससे चलता है दूसरे। अच्छा अच्छा, मैं लगा पीएन फोन था वो। ये उसकी गाड़ी है सर की। अच्छा, और एक अंधा सर भी तो है। वो तो हमें पढ़ाता है। अंधा सर है, वो म्यूजिक सिखाता है। हाँ। उसको किसने सिखाया कि ऐसे हारमोनियम बजाना है? पता है इसी अंधा था क्या वो? हाँ सर बताते कि हम शुरू से ऐसे था कि बस हमने ऐसे सीख लिया था कि सरगमे वगैरह कैसे है, कि हाथ ऐसे ऐसे करके सीख लिया। हाँ, अगर आप उनकी यूट्यूब पे भी एक आधी वीडियो बनते हैं, पर प्रॉपर बजाते हैं, तो देखो क्या टैलेंट है ना, कोई चीज़ रोक नहीं सकती अगर किसी ने कुछ करना हो तो। सो अभी मैं व्लॉग बना रहा था बाहर, काफ़ी कुछ रिकॉर्ड करा, वो सेव ही नहीं हुआ क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी। तो चलो खैर, जितना सेव हो उतना मैं दिखा दूंगा आपको। और हाँ, एक शॉट है मेरे पास जिसमें हनी अपने टीचर्स को गालियाँ निकाल रहा है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं अगले ब्लॉग में डाल दूंगा, इसमें मैं नहीं डालूंगा। अगर जिस हिसाब से कमेंट्स आए उस हिसाब से देखेंगे कि डालना नहीं डालना। फर्स्टिंग ऑपरेशन करा था मैंने उसके ऊपर। तो चलो, अब जितना रिकॉर्ड हुआ उतना मैं आप लोग को दिखा दूंगा, अगर आपको देखना हो हनी वाला तो कमेंट कर देना। तो चलो इसी के साथ ये ब्लॉग का करता हूँ एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने नहीं करवा। तो बाय बाय, लव यू।